तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ट्रेटिनोइन क्रीम के साइड इफेक्ट्स के बारे में। देखो ये जो क्रीम है ना ट्रेटिनोइन, जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स होती है, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, एक्ने, पिंपल, डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, ओपन पोर्स, स्कार्स, फाइन लाइन, रिंकल, लूज स्किन, स्ट्रेच मार्क्स, सभी को ठीक करने में बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये क्रीम स्किन के अंदर कोलेजन को इंक्रीज करती है, मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करती है, और ये कोई भी स्टीरॉयड वाली क्रीम नहीं है। तो अगर आपकी स्किन पर सूट कर जाती ना, फिर चाहे आप इसे 5 साल 10 साल जितना भी यूज़ कर लो, ये कभी भी आपकी स्किन पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देगी। मेरी पर्सनल फेवरेट है, मैं भी इसे यूज करता हूं, लेकिन जितनी अच्छी क्रीम है ना उतने ही बुरे इसके साइड इफेक्ट्स भी है। बहुत लोग मुझे कमेंट करके बोलते भाई ट्रेटिनोइन क्रीम को यूज करने से मेरे एक्ने पिंपल बढ़ते जा रहे हैं, मेरे स्किन के पोर्स बड़े हो रहे हैं, मेरी स्किन और भी ज्यादा डार्क होते जा रही है, मेरे स्किन पर रेडनेस, बर्निंग, इचिंग, इरिटेशन, ड्राइनेस हो रही है, मैं क्या करूं। तो इस क्रीम की वजह से आपको साइड इफेक्ट क्यों हो रहे और कौन कौन से साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं इस क्रीम से, और उन साइड इफेक्ट से आपको बचना कैसे, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग भी ट्रेटिनोइन क्रीम को यूज करते हो या फिर करने की सोच रहे हो, तो कसम से बता रहा हूँ आज की वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, बने रहना वीडियो पे एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, बूम। तो पहले मैं आप लोगों को ट्रेटिनोइन क्रीम के साइड इफेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। तो इस क्रीम से आपको दो तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, एक होता है कॉमन साइड इफेक्ट्स और एक होता है सीवियर साइड इफेक्ट। अगर ट्रेटिनोइन को यूज करने से आपकी स्किन पर रेडनेस, बर्निंग, इचिंग, इरिटेशन या फिर ड्राइनेस हो रही है ना, तो ये क्रीम के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है जो कि टोटली रिवर्सेबल है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ट्रेटिनोइन को यूज करने से आपके एक्ने पिंपल बढ़ते जा रहे हैं, आपकी स्किन के पोर्स बड़े हो रहे हैं या फिर आपकी स्किन और भी ज्यादा डार्क होते जा रही है, तो ये इसके कुछ सीवियर साइड इफेक्ट्स है जिन्हें ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस क्रीम से आपकी स्किन पर साइड इफेक्ट्स क्यों हो रहे हैं। तो बहुत लोग पता है गलती क्या करते हैं, बहुत लोगों को ना ट्रेटिनोइन क्रीम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, सिर्फ इतना पता होता है ये क्रीम सारे स्किन प्रॉब्लम को ठीक कर देती है, इसीलिए लोग इसे मेडिकल से खरीद के ले आते, इसे रेगुलर यूज करने लग जाते, भर भर के यूज करते, पूरी रात चेहरे पर रहने देते। मतलब अगर आपने भी ट्रेटिनोइन क्रीम को डायरेक्टली अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड कर दिया था, आप इसे रेगुलर यूज करने लग गए थे, तो यही रीजन है इस क्रीम के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स आपके चेहरे पे हो रहे, जैसे कि रेडनेस, बर्निंग, इचिंग, इरिटेशन, ड्राइनेस वगैरह। और अगर ट्रेटिनोइन को यूज करने से आपके एक्ने पिंपल बढ़ते जा रहे, तो देखो ये इस क्रीम का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ट्रेटिनोइन क्रीम विटामिन ए का एक डेरिवेटिव है, और विटामिन ए के जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, उनका काम करने का तरीका ही कुछ ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में वो एक्ने पिंपल को बढ़ा देते हैं कुछ लोगों के फेस पे, क्योंकि विटामिन ए के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो स्किन के अंदर से एक्ने पिंपल को बाहर लाते हैं। बस आप एक गलती मत करना, अगर इस क्रीम से आपके एक्ने पिंपल बढ़ चुके तो क्रीम को स्टॉप मत करना, कंटिन्यू यूज करते रहना। 2-3 महीने बाद इस क्रीम के आपके स्किन के ऊपर इफेक्ट बिल्ड हो जाएंगे, इफेक्ट बिल्ड हो जाने के बाद ही आपके एक्ने पिंपल पर रिजल्ट देने लग जाएगी। और अगर इस क्रीम को यूज करने से आपके स्किन के पोर्स बड़े हो रहे, तो एक चीज आपको क्लियरली बता देता हूँ, ट्रेटिनोइन क्रीम स्किन के पोर्स को बड़ा नहीं करती, वो एक इल्यूजन होता है। क्या होता है पता है, आपके स्किन के पोर्स ना पहले से बड़े होते हैं, बस डेड स्किन सेल्स की वजह से वो ढक जाते, छिप जाते। ये क्रीम क्या करती है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देती है फेस पे से, तो आपके स्किन के पोर्स जो है वो विजिबल हो जाते हैं। तो आपको ऐसा फील होता है कि स्किन के पोर्स बढ़ चुके, लेकिन वो पोर्स बढ़े नहीं है, डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाने की वजह से वो क्लियरली दिखाई देने लगे। और अगर इस क्रीम से आपकी स्किन और भी ज्यादा डार्क होते जा रही है, तो इसका रीजन पता है क्या, ट्रेटिनोइन क्रीम क्या करती है, पुराने स्किन को पील ऑफ कर देती है, फिर पीछे से जो न्यू स्किन आ जाती है ना वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो अगर आप अपनी न्यू स्किन को सन में एक्सपोज कर रहे हो बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो बहुत जल्दी टैन खा जाएगी। यही रीजन है कि इस क्रीम को यूज करने से आपकी स्किन और भी ज्यादा डार्क होते जा रही है। अब आपको कैसे बचना है इस क्रीम के साइड इफेक्ट से, वो आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको क्रीम को यूज करने का सही तरीका पता करना पड़ेगा। कभी भी आपको ट्रेटिनोइन क्रीम को कम से कम कॉन्सेंट्रेशन में यूज करना है, 0.25% वाले कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में आपको इसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाना है, वो भी एक डॉट जितने अमाउंट में लगाना है, और सिर्फ आधे घंटे तक ही चेहरे पर रखना है, आधे घंटे बाद जाके फेस वॉश कर लेना है। दूसरे हफ्ते आपको इस क्रीम को 3 बार यूज करना है, डॉट जितने अमाउंट में यूज करना है, और 45 मिनट्स तक चेहरे पर रखना है। और तीसरे हफ्ते आपको इस क्रीम को 4 बार यूज करना है, डॉट जितने अमाउंट में यूज करना है, और 1 घंटे तक आप इसे चेहरे पर रख सकते हो। इसे धीरे धीरे करके आपको डेज और टाइम बढ़ाते रहना है। 1 महीने बाद आप इस क्रीम को रेगुलर यूज कर सकते हो और पूरी रात भी चेहरे पर रहने दे सकते हो। बस क्रीम की जो क्वांटिटी है उसे मत बढ़ाना, हमेशा आप इसे डॉट जितने अमाउंट में ही यूज करना। और अगर रेगुलर यूज करने से आपकी स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट हो रहा है ना क्रीम का, तो देखो आप इस क्रीम को रेगुलर मत यूज करो, इस क्रीम के साथ थोड़े से आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। कभी आप इसे हफ्ते में 2 बार यूज करो, कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी 1 घंटे के लिए, कभी 2 घंटे के लिए, मतलब टाइम और डे को आगे पीछे करके देखो। जहां तक भी आपकी स्किन इस क्रीम को टॉलरेट कर पा रही है, बस हफ्ते में उतने ही दिन और उतने ही टाइम आपको इस क्रीम को यूज करना है। इस क्रीम को यूज करने का सही तरीका एकदम डिटेल में जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैंने बताया, वीडियो का आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों जगह लिंक कर दूंगा, जाके देख लेना। और अगर इस क्रीम के कॉमन और सीवियर दोनों साइड इफेक्ट से आपको बचना है ना, तो इस क्रीम के साथ आपको सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर लगाना ही पड़ेगा। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई हो चुकी है, आपकी स्किन पर रेडनेस, पिगमेंटेशन हो चुके, तो इस क्रीम के साथ आप मॉइस्चराइजर को मिक्स करके लगा सकते हो रात के वक्त, वरना दिन में आपको 2 बार मॉइस्चराइजर लगाना ही पड़ेगा। और अगर आप ट्रेटिनोइन को यूज कर रहे हो, तो सनस्क्रीन लगाना आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है।
भले ही आप घर पे रहते हो तो भी आपको सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे घर पे जो विंडो होती है, घर के डोर होते हैं, उनके थ्रू ना यूवी रेस घर के अंदर आ जाती है। अगर आप ट्रेटिनॉन यूज़ कर रहे हो और यूवी रेस आपकी स्किन पे पड़ी तो आपकी स्किन पूरी डैमेज हो सकती है। इसलिए भले ही आप घर पे रहते हो तो भी आपको दिन में दो बार सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी। अगर आप सनस्क्रीन अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ट्रेटिनॉन को भी मत यूज़ करना। एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बेस्ट सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर कौन सा है ऑलरेडी वीडियोज मैंने बनाई है, आई बटन डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। और दो बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप ट्रेटिनॉन क्रीम को यूज़ करना चाहते हो तो। सबसे पहली बात, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है ना तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की गाइडेंस में ही आपको ट्रेटिनॉन क्रीम को यूज करना है। दूसरी बात, देखो ये क्रीम है तो बहुत इफेक्टिव लेकिन इसके रिजल्ट ना थोड़े स्लो मिलते। अगर आपकी स्किन पर सिस्टिक एक्ने तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे इसके रिजल्ट मिलने में। अगर आप इसे ओपन पोर्स या फिर स्कार्स के लिए यूज कर रहे हो तो 6 महीने से लेकर 1 साल भी लग सकता है इसके रिजल्ट मिलने में। इसलिए आपको क्रीम से ना कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप इस क्रीम से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखोगे, होप रखोगे, तो इस क्रीम को आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर ही नहीं पाओगे। आप फेस वॉश यूज करते हो, मॉइस्चराइजर यूज करते हो, क्या उनसे आपकी कोई एक्सपेक्टेशन होती है? नहीं, वो सिर्फ आपके स्किन के रूटीन का एक पार्ट है। आप उन्हें सालों से यूज कर रहे हो और सालों तक यूज करते रहोगे। तो ट्रेटिनॉन क्रीम को भी आपको अपने स्किन के रूटीन का एक पार्ट बना लेना है। ये क्रीम आपको थोड़े स्लो रिजल्ट देगी लेकिन डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट देगी लॉन्ग टर्म में। तो आई होप के ट्रेटिनॉन क्रीम से रिलेटेड जो भी नॉलेज इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपको दी आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे वीडियोज और भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, टाटा।